नारायण टेलीविजन प्रोग्राम देखिए, ऐसा है कि ये मौत जो है खाली एक दुर्घटना नहीं है, ये पूरे बॉलीवुड के मुस्तकबिल का सवाल है। आज सुशांत सिंह है, कल कोई दूसरा हो सकता है। तो ये जो इस प्रकार का रॉट यहाँ पे बॉलीवुड में आया है, इसको बाहर निकालना बहुत जरूरी, नहीं तो बहुत से लोग इसके शिकार होंगे और ये इनको बढ़ावा मिलेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर कोई मीडिया चैनल इसको पूरी तरह से लॉजिकल एंड तक ले जा रहा है तो बहुत सराहनीय और करना भी चाहिए। देश के अंदर क्राइम बढ़ता जा रहा है, नेपोटिज्म बढ़ती जा रही है। जो लोग जो लोग अकेले रहते हैं मुंबई शहर में चमकीली नगरी में, वहां उनका शोषण और उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, तो मुझे लगता है इसका उजागर करना बहुत जरूरी है। ये कोई साधारण केस नहीं है, ये काफी लोगों का मामला जुड़ा हुआ है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो रिया चक्रवर्ती मॉर्च में कैसे पहुंच गई, उनको कहां से अधिकार मिल गया, उनके माँ बाप को तो वो संवेदना देने के लिए गई नहीं और वहां पे मॉर्च के अंदर जाकर के वहां पे कहती हूँ ओ गॉड आई एम सो सॉरी। और इसके अलावा जो और भी बहुत से संदिग्ध कैरेक्टर जो वहां घूम रहे थे, जिनका वहां पे कोई आधिपत्य नहीं था, वो कहां से आ रहे थे? तो मैं समझता हूँ कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर किसी प्रकार के गाड़ियां नहीं आंसू बहाने, बहुत ही गलत होगी। उनके कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन तुरंत होना चाहिए, नहीं तो रोज रोज आप उनको बुलाएंगे, वो कभी आएंगी कभी बीमार हो जाएंगी, कभी उनके वकील कोई स्टे ऑर्डर ले आएंगे, तो आप ये कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं होगा इसको कंप्लीट आप नहीं कर पाएंगे। सीबीआई की टाइम वेस्ट करके बट आप क्या करते हो, आप पब्लिक प्रवक्ता की हैसियत से शो प्रोवाइड